हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ ज्योत्सना और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कुछ किचन गैजेट्स के। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी हैं इसमें और कुछ चीज़ें मैंने अमेजोन से परचेज़ करी थी और कुछ मीशो से, कुछ लोकल शॉप से। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सारी चीज़ें और उनके रिव्यूज़। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जंप ओवर टू द वीडियोज़। सो फर्स्ट आइटम इज़ दिस। ये एक रेजिन मटेरियल का बना हुआ क्यूट सा शेफ फिगर है और ये एक प्लग होल्डर है। यहाँ पे प्लग आप लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आप एक प्लग ऐसे करके लगा सकते हैं। ये मैं लगाऊंगी अपने किचन के एक सॉकेट वाला सेक्शन है जहाँ पे मैं अपने दो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखती हूँ। एक तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक केटल है और दूसरा एक शिवाय का स्टेरिलाइजर है, जो कि दोनों के वायर्स अक्सर मिक्स हो जाते हैं उसमें और फिर मुझे जल्दी जल्दी में वो मिलते नहीं हैं। तो मैं इसको अपने सॉकेट के ऊपर लगाऊंगी जिससे कि मुझे दोनों के प्लग्स को ढूंढने में आसानी रहे और दोनों सेपरेट मिले मुझे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका प्राइस जनरली आप अमेज़ॉन पे भी ये चीज़ें मिल जाती हैं। अमेज़ॉन पे मैंने इसको देखा था तो ये 499 का इसका प्राइस था। ये मैंने मीशो से 350 का लिया है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है बट अच्छा है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आई थिंक ये क्वालिटी आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, प्राइस वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी, और यूज़ तो अच्छा है ही। इसके पीछे आपको डुअल साइड टेप मिलेगा और इसकी लाइनिंग निकाल करके आपको सीधे स्टिक कर देना है। तो ये मैं लगाऊंगी अपने किचन में। इस आइटम मैंने परचेज किया है एक किचन रग। वो रग ऐसा है, ये रग मैंने पहले मंगाया हुआ था अमेजोन से। ये अराउंड मुझे 400 का पड़ा था। इस तरह के रग्स आप देख सकते हैं जनरली फ्लिपकार्ट और बाकी अदर वेबसाइट्स पे भी मिल जाते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने एक और ये रग परचेज किया था, सेम आई थिंक सेलर्स के डिफरेंट थे। तो ये भी आई थिंक ये इसका प्राइस था 364 रुपीज़, लेकिन इसमें और उसमें काफ़ी डिफरेंस है। साइज़ भी डिफरेंट है, प्रिंट भी इसका प्रिंट उससे ज़्यादा बेटर है, पहले जो मैंने परचेज़ किया था उससे ज़्यादा बेटर है। डिजिटल प्रिंट है, क्वालिटी अच्छी है और ये एंटी स्लिपरी भी है। इसके पीछे ऐसा रबर का टेक्स्चर्ड मटीरियल है जिससे कि ये स्लिप नहीं करता बहुत जल्दी। तो ये किचन के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अभी ये जस्ट नया है, मैंने इसको खोला हुआ है, तो ये आज ही इसकी डिलीवरी आई है और किचन मेकओवर वीडियो भी जल्दी आएगा बिकॉज मैं इन्हीं प्रोडक्ट्स का वेट कर रही थी कि ये आ जाएं तो फिर मैं किचन का मेकओवर स्टार्ट करूं और फिर वीडियो भी मैं जल्दी जल्दी शेयर करूं। आइटम जो है वो ये है, एक पनीर सेटर। ये इस तरह की टिफिन जैसा होता है और इसमें एक ये लिड है। ये लिड थोड़ा सा हैवी है जिसकी वजह से कि पनीर शेप ले लेता है, ये ऊपर से थोड़ा प्रेशर डालता है। और इसके अंदर ऐसा एक प्लेट आता है, ये रिंग जैसा बन जाता है। इसमें आप ऐसे प्लेट लगा दीजिए और फिर इसमें आप अपना फाड़ा हुआ दूध डालिए और इसको ऐसे ऊपर से लिड लगा दीजिए। तो जनरली मैं हम ऐसे तो मार्केट से पनीर परचेज कर लेते हैं खुद खाने के लिए, लेकिन जब से मैं शिवाय को पनीर और इस तरह की डेयरी प्रोडक्ट्स देती हूँ तो मैं घर पर ही प्रेफर करती हूँ पनीर बनाना। तो थोड़ा सा हेल्दी भी है और मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि बाहर की चीज़ें उसको कम ही दूं, तो मैं उसके लिए पनीर जब बनाती हूँ तो इसमें बना लेती हूँ। इसमें आपको डिफरेंट साइजेस मिल जाते हैं। आई थिंक ये सबसे छोटी साइज थी जो मैंने परचेज करी है। इसमें आपको शेप्स भी मिल जाएंगे, स्क्वायर शेप भी था बट वो साइज थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने परचेज नहीं किया, मुझे छोटे की ही रिक्वायरमेंट थी। और एक चीज़ और है जो अगर आप परांठे या सैंडविचेस के लिए पनीर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें इजीली ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा टाइट चाहिए पनीर जिससे कि आप उसको शेप्स काट करके सब्जी वगैरह के लिए बनाने के लिए ले लें, तो उस टाइम पे आपको इसमें मसलिन का क्लॉथ लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा और टाइट शेप आ जाता है। तो ये काफ़ी यूजफुल है। ये भी इसका प्राइस मैं आपको नीचे दे। नेक्स्ट आइटम ये मंगाया था, ये फिलिप्स एवेंट की सिपर बॉटल है। ये मैंने शिवाय के लिए मंगाई थी। ये ऐसे खुल जाती है, थोड़ी टाइट है तो ये बच्चे नहीं खोल पाएंगे। जनरली छोटे बच्चे एक से डेढ़ साल दो साल तक के बच्चे जनरली नहीं खोल पाते हैं इसको, शिवाय नहीं खोल पाता। और ये ऐसे बंद हो जाती है। इसका पाइप काफ़ी लंबा है जो कि बॉटम तक पहुँचता है और इस वजह से
सिप करने में बच्चों को ज्यादा आसानी रहती है। और अगर ये कैप खुला भी हुआ है तो आप इसको नीचे ऐसे करेंगे तो इसमें से पानी जल्दी निकलता नहीं, क्योंकि इसको सिप करने के लिए थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है, जैसे कि दूध की बॉटल से लगाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा लीक प्रूफ भी है, इसमें से पानी जनरली गिरता नहीं है। तो ये काफी अच्छा लगा मुझे, क्वालिटी अच्छी है, BPA फ्री है, तो बच्चों के लिए। नेक्स्ट आइटम है ये एक कॉफी फिल्टर है, स्टील का, स्टेनलेस स्टील है। ये भी दो तीन पार्ट्स में आता है। ये नीचे का कप है और इसमें ये कॉफ़ी फिल्टर होकर के स्टोर हो जाती है। और ये ऊपर से ये इसका कैप है और नीचे इस तरह का ये हैंडल दिया हुआ है और ये इसमें से कॉफ़ी स्ट्रेन हो जाती है। तो जनरली कॉफ़ी ग्राउंड्स इसमें डाले जाते हैं और थोड़ा सा गर्म पानी, और इसमें बेसिकली जो वो कॉफ़ी आती है जिसमें चिकोरी मिक्स होता है, चिकोरी 20% के आसपास मिक्स होता है, वो कॉफ़ी अच्छे से फिल्टर होती है। और इसमें आप कॉफ़ी डाल करके, गर्म पानी डाल के ये ऊपर से डाल दीजिए ताकि ये प्रेस करते हुए नीचे चला जाए, जब कॉफ़ी फिल्टर होकर के नीचे आ करके इसमें स्टोर हो जाती है तब। जनरली ये कम यूज़ होता है क्योंकि हम इंस्टेंट कॉफ़ी ही ज़्यादा पीते हैं और ये कॉफ़ी ट्रेडिशनल कॉफ़ी बनाने जैसी है, तो ये कम यूज़ होती है। कभी कभी जब मन करता है कि आज हम साउथ इंडियन फिल्टर कॉफ़ी पियेंगे तो ये यूज़ हो जाता है, अदरवाइज़ ये कम ही यूज़ होता है। तो अगर आपको कभी पीने का मन करे या इस तरह से आपको चाहिए तो ये थोड़ा चीप ऑप्शन है, या आप इजिली अमेजोन से आपको मिल। नेक्स्ट आइटम जो मैंने परचेज़ किया था वो है ये एक हैंडी कुकर है 1 लीटर का, ये भी मैंने अमेजोन से मंगाया है। और ये काफ़ी अच्छा आइटम है जो बहुत यूज़ होता है, डेली यूज़ होता है और दिन में कितनी बार यूज़ होता है। तो इसमें जैसे हम दो लोग ही हैं घर में, तो हमारे थोड़ी सी सब्जी बनानी हुई या दाल डालनी हुई तो ये यूज़ हो जाता है। और इसमें ये बेसिकली मैंने ख़रीदा था शिवाय के लिए, उसको मैं कुछ दलिया या खिचड़ी, पतली खिचड़ी बनाने के लिए मुझे छोटा बर्तन चाहिए था। जनरली ये बाकी ओपन कोई भी यूटेंसिल होता है घर में उसमें बन नहीं पाता, और छोटा कुकर मुझे लेना था। और स्टेनलेस स्टील मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं धीरे धीरे अपने घर से एल्युमिनियम के आइटम हटा रही हूँ, थोड़ा हेल्दी नहीं होता है और उस पर्पज से भी लेना था। तो मैंने सोचा कि एक अच्छा स्टील का कुकर ले लेते हैं, और ये काफ़ी अच्छा है। प्राइस आई थिंक इसकी 1700 के आसपास थी, और 1700 के आसपास ही आपको अमेजोन पे 1.5 लीटर का भी कुकर मिल जाएगा, हैंडी कुकर। लेकिन मुझे चाहिए था छोटा, 1 लीटर चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया और ये बहुत अच्छा है, ये आपका बहुत यूज़ होता है। आइटम है ये मैंने एक फिल्म मंगाई है, ये वॉलपेपर जैसा ही है जो कि ग्लास पे स्टिक करते हैं। जनरली आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह में इस तरह के ग्लास पे लगे हुए होते हैं वॉलपेपर, तो ये बहुत इजी है लगाना, इसका एप्लीकेशन बहुत ही ईजी होता है। इसके पीछे एक फिल्म लगी हुई होती है, लाइनिंग है पीछे ट्रांसपेरेंटली, इसको सिर्फ ऐसे निकालना है और आपको अपना जो भी साइज है, जिसके हिसाब से जिस एरिया पे आपको लगाना है उसका साइज ले लीजिए और इसको उस हिसाब से कट कर लीजिए, और इसकी फिल्म निकाल के उस ग्लास को आपको क्लीन करके सिर्फ पानी स्प्रे करना है, और ये चिपकता सिर्फ पानी के ही बेस पे है, इसमें कोई ग्लू नहीं है। और अच्छी बात इसमें ये है कि कल को आपको निकालना हो तो ये इजीली निकल भी जाता है, और फिर आपको कहीं और उस पीस को चिपकाना है तो वो भी हो जाता है। तो ये बहुत हैंडी और बहुत ही अच्छा आइटम मुझे मिला, और इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इसका प्राइस मैं नीचे दे दूंगी। ये मैंने लिया था अपने किचन में लगाने के लिए, तो किचन में क्योंकि मेरे विंडो खुली हुई है और उस पर मैं कर्टन नहीं लगाना चाह रही थी, क्योंकि उससे एक तो लाइट कम हो जाती है और दूसरा थोड़ा सा किचन का साइज छोटा लगने लगता है अपेरेंटली। तो किचन छोटा ना लगे, लाइट प्रॉपर आए और बाहर से बहुत विजिबल भी ना हो, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा। ये मैं अपने पूजा के रूप में भी लगाऊंगी, तो ये बचा हुआ काफ़ी बचा हुआ है तो ये लग जाएगा। सो नेक्स्ट मैंने लिया है ये वॉलपेपर, ये अमेजोन से मंगाया था, ये एक बार और मंगाया हुआ था और थोड़ा सा मैंने अप्लाई किया भी है किचन के कबर्ड्स पे, सेम मंगाया, और ये इसकी ही डिलीवरी काफ़ी लेट हो गई जिसकी वजह से किचन मेकओवर का वीडियो काफ़ी लेट हो गया। और ये मार्बल वाले प्रिंट में है, ये इस तरह का मार्बल प्रिंट है। सेम प्रिंट ढूंढने में मुझे थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैं बाकी जब भी ढूंढ रही थी तो मुझे थोड़ा सा प्रिंट सिमिलर ही था लेकिन थोड़ा सा डार्क शेड में मिल रहा था, और मुझे डार्क शेड नहीं चाहिए था क्योंकि मैंने पहले जो अप्लाई किया था वो लाइट शेड था। तो ये मुझे मिला
आई थिंक 600 के आसपास प्राइस दे दूंगी मैं नीचे। ये अब ये इससे बाकी का काम हो जाएगा और किचन का मेकओवर वीडियो जल्दी आएगा। नेक्स्ट जो आइटम मैंने लिया वो ये है, ये काफी पहले मैंने लिया हुआ था, आई थिंक फोर टू फाइव मंथ्स हो चुके हैं इसको लिए हुए। और ये हैंड प्रेस जूसर है, ये काफी काम का है। जैसे मैं शिवाय को कभी थोड़ा थोड़ा सा जूस देती थी खाने के बाद, फ्रूट जूसेस मैं उसको देती रहती थी बीच में, और उसके लिए मुझे पूरा बड़ा जूसर निकालना पड़ता था। और एक संतरे का वो इतना पीता भी नहीं था, और मुझे एक संतरे का जूस निकालने के बाद वो पूरा जूसर वॉश करना पड़ता था, और वो एक बड़ा काम था मेरे लिए। तो ये काफ़ी हैंडी है, थ्री पार्ट्स में ये ऐसा आता है, नीचे स्ट्रेनर है, और इसको आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अनार का जूस बना रहे हैं तो अनार को छील करके और उसके दाने निकाल के आप इसमें डाल दीजिए और उसको ऐसे डायरेक्टली प्रेस करिए, और एक बार के प्रेस करने से अच्छा जूस निकल जाता है नीचे। और अगर आपको संतरा, कीनू या इस तरह के मौसमी, ये इन चीज़ों के अगर आपको जूस निकालने हैं तो आप इसको उल्टा कर दीजिए और इस पर डायरेक्टली स्क्वीज करिए, और अच्छे से स्ट्रेन होकर के विदाउट बीज वीज आए अच्छा जूस इसमें निकल जाता है। और ये मेरे लिए थोड़ा हैंडी था क्योंकि क्लीन बहुत अच्छे से होता है, इजीली क्लीन हो जाता है, कोई झंझट नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ खोलना हो और उसमें ब्रश लेके साफ करना नहीं होता है। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा शिवाय को जूस वगैरह देने के लिए, क्योंकि डेली करना पड़ता था ये सारी चीज़ें। तो ये भी आई थिंक 200 के आसपास, हाँ 200 और 250 249 का ये आया था उस टाइम पे, ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। सो जो नेक्स्ट आइटम मैंने लिया है वो ये है, ये मैंने लोकल शॉप से लिया था, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से सावेरी मार्केट, जो कि फर्नीचर के लिए बहुत फेमस है, सावेरी मार्केट पास में ही है, वहाँ हम गए हुए थे। और ये मैं रिसेंट में लेकर के आई हूँ, फर्नीचर देखने के लिए ही हम लोग बेसिकली निकले थे, तो मुझे एक लोकल शॉप पे ये दिख गया और मैंने प्राइस पूछा तो वो 100 रुपीज़ उन्होंने बोला, और बोला कि 10% डिस्काउंट चल रहा है उनके यहाँ पे, और 90 रुपीज़ का उन्होंने ये दिया मुझे, जो कि आप Amazon और मीशो और बाकी भी वेबसाइट्स पे देखेंगे तो ये सेट्स में आते हैं 300 टू 400 के ये मिलते हैं, अराउंड वही पड़ता है, बट मुझे ये बड़ा अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। सेट भी था लेकिन उसका सेट का जो बॉय बना हुआ था वो थोड़ा सा ख़राब था, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया, एक ये सिंगल पीस लिया। और इसमें मैंने छोटे छोटे से जेड और मनी प्लांट लगा दिया है, यू कैन सी इसमें छोटी छोटी सी लीव्स भी आ रही हैं जेड में, अब जाकर के आने लगी हैं इसमें छोटी छोटी सी लीव्स, ये बड़ी क्यूट सी लग रही है। तो ये था लोकल शॉप से मेरा पहला परचेज इतने दिनों बाद। और दूसरी चीज जो मैंने लोकल शॉप से ली हुई थी वो ये है, ये सुंदर सा क्यूट सा केज, और ये भी मुझे बड़ा 250 का उन्होंने कहा था, 10% ऑफ के बाद उन्होंने 230 का दिया। ये भी आपको अमेजोन वगैरह पे मिल जाएंगे, पर मुझे लगता है अमेजोन पे थोड़ा सा कॉस्टली है, अराउंड 500 और 600 का मैंने ये साइज देखा था अमेजोन पे। मैं सोच रही थी लेने के लिए लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, शायद लोकल में अच्छा मिल जाए, और मिल गया। तो इसमें अभी तो मैंने फिलहाल एक छोटा सा मनी प्लांट लगाया हुआ है, मे बी बाद में मैं चेंज करके इसमें फेरीडाइट लगा दूँ। ये इसको आप हैंग कर सकते हैं अच्छे से, कहीं पे भी हैंग हो जाएगा, बैल्कनी में कर दीजिए या अपने ड्राइंग रूम में कर दीजिए, बहुत क्यूट लगता है ये, बहुत सुंदर सा है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप बताइए कैसा लगा आइटम, आपको यूजफुल लगा, कौन सा आइटम आप परचेज करना चाहते हैं, या कौन से आइटम की डिटेल्स मैं आपको और अच्छे से दूँ। और प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं किचन मेकओवर का वीडियो जल्दी ही करूँगी, क्योंकि अब मैं सारे आइटम, सारी डिलीवरीज मेरी पहुँच चुकी हैं, सब चीज़ें रिसीव हो चुकी हैं, तो किचन मेकओवर का वीडियो मेरा जल्दी आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय एंड टेक केयर।